चाचा चौधरी और मूंछों का कमाल। चाचा चौधरी का जुड़वा भाई छज्जू चौधरी उससे मिलने आया। कहो भैया, कैसे हो? अच्छा हूँ, कहो कैसे आना हुआ? इधर एक अदालत के मामले से आया था, सोचा तुम्हें मिलता चलूं। तुम्हें भूख लगाई होगी, अंदर रसोई में जाकर अपनी भाभी से नाश्ता ले लूं। थोड़ी दूर बाजार में कल्लू नाई और गेंजा सेठ की झड़प हो रही है। देखो सेठ, मुझे चैलेंज मत करो, मैंने बड़े बड़ों की उल्टे उस्तरे से हजामत कर दी है। अंत में तब मानेंगी जब तुम चाचा चौधरी को मात दे दोगी। बोलो क्या शर्त रही? तुम चाचा चौधरी की मूछे काट कर हमें दिखा दो, हम तुम्हें 100 रुपया देंगे, नहीं तो तुम अपनी मूछे हमारे हवाले कर देना। मुझे मंजूर है, अभी 15 मिनट में चाचा चौधरी की मूछे लाया। चौधरी साहब, अदाब बजा लाता हूँ। कहो भाई, कैसे आना हुआ? अजी चलते चलते आपकी मूछे देखी तो रुक गया। आजकल तो मूछे रखने का फैशन ही नहीं। अगर फैशन नहीं तो फिर तुमने क्यों मूछे पाल रखी हैं? अजी हमारा छोड़िए, हम ठहरे पुराने फैशन के। आप जैसे पैंट कमीज और टाई थोड़े ही लगाते हैं, आपके चांद जैसे चेहरे को इन भद्दी मूछों ने छुपा रखा है। बड़े बड़े एक्टर जैसे दिलीप कुमार, राजेश खन्ना और धर्मेंद्र कोई मूछे नहीं रखता। तुम ठीक कहते हो, फेर दो हमारी मूछों पर उस्तरा। वाह क्या हसीन चेहरा निकल रहा है, सुभान अल्लाह, इस चांद के टुकड़े को देखकर कौन हसीना नहीं मर मिटेगी। जल्दी से बंबई का टिकट कटाओ और फिल्म कंपनी में भर्ती हो जाओ। गेंदा सेठ, निकालो 100 रुपए, चाचा चौधरी की मूछे मैंने साफ कर दी और यह रहा उसका सबूत। तभी, अरे भाई कल्लू, किसकी मूछे साफ कर दी तुमने आज? हैं? चाचा चौधरी, मैं मान गया आपको, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, मैंने इतनी जल्दी मूछे उदे कभी नहीं देखा, कृपया इसका रहस्य बताएं। एक शर्त पर, पहले तुम अपनी मूछे साफ करो। लो मैं अपनी मूछे साफ किए देता हूँ। दरअसल जिसकी तुमने मूछे साफ की थी वो मैं नहीं, मेरा जुड़वा भाई छज्जू चौधरी था। गेंदा सेठ, लो मैं अपनी मूछे तुम्हारे हवाले करता हूँ।